Hey guys, alright, so आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका फोटो ओवर एक्सपोज्ड है, मतलब अगर आपकी फोटो में आपको खुद को हाईलाइट कराना है तो आप कैसे कर सकते हो। एक टूल है मतलब Lightroom मोबाइल ऐप के अंदर सिलेक्टिव टूल, तो उसके अंदर मतलब सिलेक्ट करके एक इन्वर्ट रेडियल टूल आता है, तो उसको कैसे यूज करना है एंड इसका सही तरीके से यूज करके आप ओवर एक्सपोज्ड बैकग्राउंड को अंडर एक्सपोज मतलब जितना एक्सपोजर आपकी फोटो के अंदर चाहिए उतना आप कैसे डाल सकते हो, तो एक्सपोजर शिफ्टिंग इसको बोलते हैं। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हमने आपको फुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया है, तो ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इसी तरीके की कमाल की वीडियो मिलती रहती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए हैं। गाइज, एक्सपोजर शिफ्टिंग का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, हालांकि नीरज भाई ने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बट अभी तो उसका चैनल डिलीट हो चुका है तो वो टॉपिक जो है नहीं रहा। लेकिन ये वाला वीडियो मतलब उनका ये वीडियो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद था, एक्सपोजर शिफ्टिंग के ऊपर जो उन्होंने वीडियो बनाया था, बट वो वीडियो अभी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो कई लोग नहीं भी जानते हैं और कई लोग जानते थे तो भूल भी गए होंगे। सो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड मैं इसका क्रेडिट भी दे रहा हूँ नीरज भाई को NSB पिक्चर्स चैनल से। तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनका वो वाला चैनल तो अब रहा नहीं, तो उसके कई सारे वीडियो उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो कि अब शायद नहीं रही। सो कोई नहीं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपोजर शिफ्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर हम Lightroom मोबाइल ऐप को ओपन करते हैं। Lightroom मोबाइल ऐप के अंदर गाइज आपको एक सेलेक्टिव टूल मिलता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे गाइज हमने एक ऑलरेडी फोटो को ओपन कर रखा है, मतलब एक फ़ोटो को जो है हमने ऐड कर रखा है। ये Lightroom अभी मेरा हैंग कर रहा है शायद, इसलिए ऐसा दिखा रहा था। ऑल फोटोज़ के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने एक फ़ोटो को ऐड कर लिया है। ये देख पा रहे हो गाइज कि इस फोटो के अंदर अभी तो सब कुछ परफेक्टली आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्सपोजर शिफ्टिंग एक ऐसी मतलब टेक्निक है ना जिससे आपकी फ़ोटो में एक अलग सी ही जान डाल देती है। वो कैसे, वो जानिए। आपको यहाँ पे गाइज एक सिलेक्टिव टूल मिलता है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन ये आपको सिलेक्टिव के अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक प्लस का आइकॉन दिखता है, यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ से ये वाला आपको सेकेंड वाला चूज कर लेना है, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट हमने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर इसको और नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपनी पूरी फ़ोटो के अंदर इसको इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। इसको सेट कर देने के बाद आपको इस पर क्लिक करके रखना है, ठीक है। देखो ये जो बटन है ये इस पर आपको जस्ट क्लिक करके इस तरीके से रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इन्वर्ट रेडियल ग्रेडियंट ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो है पूरा का पूरा इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इन्वर्ट कहने का मतलब ये है कि ये जहाँ आपने सेलेक्ट किया था ये वहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। ये आप देख पा रहे हो कि जितने सिलेक्टेड एरिया है इसके बीच में ये रेड रेड नहीं बना है, इसके बाहर बना है ये रेड रेड, मतलब कि इसका पूरा इफेक्ट आपके बैकग्राउंड पे होगा, जहाँ आपका सब्जेक्ट जो है आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पर नहीं होगा। तो इसका क्या फ़ायदा है, यहाँ पे गाइज ये वाला सिलेक्ट हमने कर लिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से लाइट वाले ऑप्शन के अंदर जाना है एंड इसकी एक्सपोजर को आप कम कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी फ़ोटो में एक स्काई होता है लेकिन वो ब्लू नहीं हो पाता, आप उसको ब्लू करना चाहते हो, मतलब वो वाइट कलर का रहता है, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली एक्सपोजर को कम कर देना, हाईलाइट्स को कम कर देना। उसके बाद यहाँ से आपको कलर वाले टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे ह्यू को आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। देखो मैं सिर्फ एक्सपोजर शिफ्टिंग वाले टूल से ही यहाँ पे बहुत कुछ चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो कि फ़ोटो के अंदर अलग सा कलर टोन भी मैं डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं सेचुरेशन को इनक्रीज़ कर देता हूँ एंड यहाँ पे कलर को भी चेंज चाहो तो कर सकते, चेंज यहाँ पे जो चाहो कलर को आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सपोजर शिफ्टिंग जो बताने का मेरा मकसद था वो मेन यही था कि आपके बैकग्राउंड से ज़्यादा अगर हाईलाइट आ रही है, मतलब आपकी अपने सब्जेक्ट पे उसका लाइट नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ बैकग्राउंड पे अगर आपको चाहिए कि एक्सपोजर वहाँ पे कम रहे या ज़्यादा रहे, तो आप इजीली इन्वर्ट रेडियल टूल करके अपनी फ़ोटो के अंदर मतलब एक अलग सा जो है लाइट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हो। अब देखो मैंने सिर्फ एक टूल का यूज़ किया है, फ़ोटो देखो बिफोर में कुछ इस टाइप की थी एंड आफ्टर में कुछ इस टाइप की हो गई। हमें दोबारा से नहीं मिक्स टूल में जाना पड़ा बार बार, ना ही कहीं और कुछ भी करना पड़ा। सिर्फ हमने यहाँ से सिलेक्टिव टूल के अंदर जाकर एक जो है यहाँ पे सिलेक्टिव सिलेक्ट बनाया था, यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट बनाने के बाद इसको हमने इन्वर्ट किया था। इस पर क्लिक करके रखना है, यहाँ इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी इफेक्ट आप दोगे आपका जो भी सिलेक्टेड पार्ट रहेगा, मतलब यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है अपने सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट पे इसका इफेक्ट नहीं जाएगा। आप देख पा रहे हो कि पूरा सब्जेक्ट से बाहर इफेक्ट जा रहा है,
तो एक्सपोजर शिफ्टिंग का बहुत ही कमाल की टेक्निक है। अगर आप लाइटरूम मोबाइल ऐप यूज़ करते हो तो ये आपको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपकी फ़ोटो देख पा रहे होगा, इसकी हमें सिर्फ एक टूल का यूज़ किया, यानी यहाँ पे कलर से लेकर सब कुछ आप देख पा रहे हो। फोटो के अंदर लाइट भी कितनी फिक्स हो चुकी है, पहले वाली लाइट कंडीशन हमको बहुत बेकार लग रही है, लेकिन अब आप लोग देख पा रहे हो कि कितनी यहाँ पे मस्त लग रही है। तो इस तरीके से आप लाइट क्रिएट कर सकते हो एक अच्छा सा। आप देख पा रहे हो कि सिर्फ एक्सपोजर शिफ्टिंग हमें किया है, यानी यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सपोजर मेंटेन हो गया है। पहले बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से हाईलाइट्स थी, अभी भी हमारे सब्जेक्ट के अंदर है जितना हमको चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको सब्जेक्ट पर नहीं चाहिए, हमको सब्जेक्ट पर लाइट चाहिए होती है, लेकिन जो बाहर मतलब एरिया है जैसे बैकग्राउंड है तो उसमें हमको लाइट नहीं चाहिए होती है। अगर हम यहाँ से लाइट को कम करते हैं यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा एक्सपोजर कम हो जाएगा, जिससे हमारा मोड मतलब हमारे फेस का भी लाइट या फिर हमारे मतलब सब्जेक्ट का भी लाइट जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं करना होता है, हमको सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे लाइट रखना होता है एंड बाहर मतलब लाइट कम करना होता है। तो वो आप एक्सपोजर शिफ्टिंग ऐप के मतलब ऐप बोल रहे हैं, एक्सपोजर शिफ्टिंग टूल की हेल्प से आप कर सकते हो। सिलेक्टिव टूल में जाना है, सिलेक्ट करके इन्वर्ट कर देना है। अब आप लोग देख पाओगे बिफोर एंड आफ्टर कितनी मस्त यहाँ पर दिख रही है। तो इस टेक्निक का यूज़ करके आप अपनी फोटो को एक बहुत ही अमेजिंग से एडिट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए गाइस इतना ही, कैसी लगी आपको ये टेक्निक इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।